हेलो जी, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। और आपके लिए बहुत ही शानदार एक वीडियो है यहाँ पर, ये जो मैं कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट बता रहा हूँ। बिल्कुल, हम आपके लिए ये बता रहे हैं कि अभी तक आपकी तैयारी है वो सीटी की शानदार हो चुकी होगी, बिल्कुल बढ़िया चल रही होगी। और रही सही कसर आप अब अंतिम समय में लगा दीजिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी और एमसीक्यू क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। अपना जो मेन मोटो है वो यहाँ पर इस वीडियो को आपको बताने का है, क्योंकि आप सभी के क्वेरी क्वेश्चन और कमेंट आ रहे थे। तो देखिए, प्रश्न है कि सीटी 12th लेवल एग्जाम एडमिट कार्ड कब आएगा? क्या है एडमिट कार्ड? ठीक है ना, ये क्वेश्चंस काफी बार आता है, एडमिट कार्ड कब आएगा? तो अब ये प्रश्न काफी स्टूडेंट पूछ रहे थे। देन मैंने आप सभी को ये भी कहा है, पहले भी बताया था कि आपका एग्जाम डे कौन सा है। एग्जाम डे आपका एग्जाम डे है 22 से लेकर 24 के बीच, 22 से लेकर 24 अक्टूबर तक कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। तो अब जो 22 अक्टूबर है ना, इस दिन आपको एग्जाम में एडमिट कार्ड लेके जाना, लेकिन ध्यान रखना एडमिट कार्ड एग्जाम से 7 दिन पहले जारी होता है। तो मतलब आपका एडमिट कार्ड है वो 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को आपका एडमिट कार्ड जारी होने की 99.9% संभावना है और बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये आप सबको अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि काफी मुझे कमेंट करते हैं देन इसका आंसर। नेक्स्ट, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, क्योंकि अब आ जाएगा उस समय आप कैसे डाउनलोड करेंगे। तो ध्यान रखना आपने अपना फॉर्म जहां से भरा है एसएसओ आईडी से, तो एसएसओ आईडी से ही आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, या फिर अलग डायरेक्ट लिंक भी आती है वहां से भी कर पाएंगे। लेकिन आप बस क्या करें, सीधा एसएसओ आईडी सर्च करें, अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर अपना प्रोफाइल ओपन करें एसएसओ आईडी की, और वहां पर आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल पर जाना है। रिक्वायरमेंट पोर्टल पर जाते ही वहां ऊपर आपके फॉर्म भरे हुए और सबसे ऊपर एक आएगा एडमिट कार्ड। ये एडमिट कार्ड ऑप्शन आपके अलग अलग फॉर्म भरे उनके लिए भी होगा, लेकिन एडमिट कार्ड सीटी का है ना, वो आपके 16 तारीख के आसपास होगा। तो अब बता दिया आपको एसएसओ आईडी में लॉगिन करना प्रोफाइल में, और रिक्वायरमेंट पोर्टल पर जाना जहां से आप फॉर्म भरते हैं, बस वहीं पर आपको आपका फॉर्म भरा हुआ भी मिलेगा और वहीं से आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे। क्लियर? तो ध्यान रखना एसएसओ आईडी। क्लियर? यस। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है कि एडमिट कार्ड के साथ एग्जाम में क्या लेके जाएं। बिल्कुल, तो एग्जाम में सिंपल है कि फर्स्ट थिंग तो है आपको अपना एडमिट कार्ड ही लेके जाना है, क्योंकि इसके बगैर तो आपकी भी वैल्यू नहीं है, उस एडमिट कार्ड की वैल्यू रहती है। ठीक है, दूसरा है आप पेन ले जाए, जितनी आपको मतलब एक दो पेन रखें, और वो पेन को होनी चाहिए पारदर्शी। क्या होनी चाहिए? ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये क्योंकि पारदर्शी होगी वरना वो पेन फेंकवा देंगे। मतलब वो पेन पारदर्शी का मतलब विजिबल, अंदर से नली दिख रही है ऐसा होना चाहिए। इसके अलावा थर्ड जो है वो है आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ, कोई भी आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ वही होना चाहिए जिसमें आपका फोटो दिखे, जिसमें आपका क्या दिखे, फोटो दिखे, वही होना चाहिए। इसके अलावा आपको एग्जामिनेशन हॉल में और कोई ले जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? एंड कुछ इंपोर्टेंट अदर थिंग्स मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, अगर आप सीटी एग्जाम के दिन गवर्नमेंट, राजस्थान की गवर्नमेंट वैसे फ्री होगी आपके एग्जाम से 1 दिन पहले 1 दिन बाद। हाँ, जिसकी सीटी का एग्जाम है उसके लिए गवर्नमेंट बस जो है वो अवेलेबल है और फ्री है, मतलब किराया नहीं लगेगा। कब? तो आपका जो एग्जाम है ना, जैसे मान लीजिए कि आपका एग्जाम 22 अक्टूबर को है। ठीक है, तो एग्जाम के 1 दिन पहले यानी 21 और 1 दिन बाद यानी 23, तो जिसका 22 को एग्जाम है उसके बस में सफर करने का उसको फ्री मिलेगा 21 से 23 के बीच। क्लियर? ये एक तो चीज ध्यान रख लीजिएगा। अब एक्चुअली में होता क्या है कि आप जब गवर्नमेंट बस से फ्री में ट्रेवल करोगे तो आपको जो वो टिकट काटने वाला जो होता है कनेक्टर, वो क्या करेगा, आपका फ्री है तो फिर आपके पूछेगा कि भाई आपका आईडी कार्ड कहाँ है, मतलब एडमिट कार्ड कहाँ है।
तो हो सकता है कि कुछ जो कनेक्टर हैं वो आपका एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी लें। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो आपके एग्जाम में आपको आईडी एडमिट कार्ड चाहिए, एक आते समय एक जाते समय, तो कम से कम अपना एडमिट कार्ड जो है आप उसकी 3 फोटोकॉपी करवा लें। कितनी फोटोकॉपी करवाना है? फोटोकॉपी 3 फोटोकॉपी करवा लेना, ठीक है, हो सके बाद में भी जरूरत पड़े तो ये करवा लेना। बाकी नेक्स्ट टिप की अगर बात करें तो आप सभी को पता है नो नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब पूरे 150 प्रश्न आपको करना है, मतलब जय हिंद बुला देना है बिल्कुल। और ध्यान रखना प्रश्न कुछ भी मत छोड़ना। यहाँ पर आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन तो आपके प्रश्न से संबंधित आते हैं, 5वां आता है जो आपको अगर कोई प्रश्न नहीं करते तो वो भरना है। तो आपको 5वें ऑप्शन को भरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है तब वो दिक्कत होती है। अब आपको 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है, पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन करना है। एक बार पेपर एग्जाम देने के बाद वापस भी देखना। वैसे एग्जाम के एक दिन पहले मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि आपको कैसे कुछ प्रश्न नहीं आ रहा तो एकदम तुक्का और तुक्केबाजी की तरह सही हो जाए, तो वो भी बात करेंगे। फिलहाल के ये शॉर्ट अपडेट अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे शाम की इंपॉर्टेंट सीटी क्लास के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।